हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जीनल और जीनल्स किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे नड्डा कबाब। नड्डा कबाब एक एक्चुअली नॉर्थ की स्ट्रीट फूड की रेसिपी है। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, खट्टा मीठा सारे तरह के फ्लेवर्स होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म करने के बाद मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हरी मिर्ची डालकर इसको अच्छे से सॉटे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आलू जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर दिया था और 1/2 कप प्याज और 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया लेकर इसको अच्छे से मिला देंगे। इस तरह मैंने इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर देंगे। 1 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिला देंगे। जो नॉर्थ में नड्डा कबाब मिलता है स्ट्रीट फूड के रूप में, उसमें इसे तड़का नहीं दिया जाता है, बट मैंने आज इसलिए इसको तड़का दिया है ताकि हम कुछ इसे अलग तरह से बनाते हैं जिससे हमें टेस्ट और अच्छा आए। इसे अच्छे से मिला दिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मेरा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो यहाँ पे मैंने फ्रेम्स लिए हैं। एक्चुअली ये वाले मुझे बड़े साइज़ के नहीं मिले तो मैंने छोटे साइज़ के ही लिए। अगर आपके पास इससे भी बड़े साइज़ के हो तो वो लीजिए। और यहाँ पे मैंने इस कटोरी में ली है नाइलॉन सेव और ये मसाला जिसको मैंने पहले से ठंडा कर दिया था। अब हम इसे 1 को लेंगे और इस मसाले को इसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। अगर आपसे फिल एक साइड से नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों साइड से आधा आधा फिल कर सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी फिल करना है क्योंकि ये जल्दी नरम हो जाते हैं। अगर आपका मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है तो आपको कोई बात की टेंशन नहीं है, आप थोड़ा स्लो करेंगे तो भी चलेगा। और इस तरह मैंने दोनों साइड से इसे नायलॉन सेव में अच्छे से कोट कर दिया है। इसी तरह हम सारे फ्रेम्स का बना देंगे। हमारे नड्डे कबाब बनकर रेडी है तो अब हम इसे सर्व करते हैं। इसे हम जनरली इमली और दही की चटनी के साथ सर्व करते हैं, पर हम इसको प्लेट में डालने के बाद थोड़ा सा नायलॉन सेव डालकर कोथमीर से गार्निश करके सर्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इमली की चटनी ली थी और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। और हमारा नड्डा कबाब बनकर रेडी है। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कैसे बना है। If you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you.